Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Biography Venue. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, जब बात करते हैं कबड्डी की, तो मुंबई बॉय रिशांग देवाड़ीगा को तो सभी जानते हैं, जो कि पहले यू मुंबा और आज यूपी योद्धा में खेलते हैं। दोस्तों, रिशांग ने प्रो कबड्डी के 4 सीजन्स में 59 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 320 टोटल पॉइंट्स हासिल किए। उसमें 284 रेड पॉइंट्स और 36 डिफेंस पॉइंट शामिल है। तो चलिए जानते हैं रिशांग देवाड़ीगा की जिंदगी के बारे में। रिशांग देवाड़ीगा का जन्म 3 फरवरी 1992 को मुंबई के सांताक्रूज में हुआ था। रिशांग कर्नाटका के गंगोली में रहने वाले हैं, लेकिन वो बचपन से ही मुंबई में पले बड़े। बहुत ही छोटी उम्र में पिता का निधन हुआ। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहते हैं। उनकी माँ ने ब्यूटी पार्लर में काम करके उनकी और उनके बहन की पढ़ाई पूरी की। रिशांग ने कबड्डी खेलने की शुरुआत 6-7 साल की उम्र में की। रिशांग को पता चला कि वो बाकी दोस्तों से ताकतवर है, इसलिए कबड्डी खेलना शुरू किया। माँ को यही चिंता थी कि कहीं चोट न लग जाए और उसका असर पढ़ाई पे ना हो, लेकिन कबड्डी खेलना रिशांग ने कभी नहीं छोड़ा। रिशांग ने स्कूल की पढ़ाई सेंट एंथोनी हाई स्कूल से की और 12वीं तक की पढ़ाई चेतना हजारीमल सोमानी कॉलेज से की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी और लीला होटल मुंबई में जॉब करने लगे और छुट्टी के दिन कबड्डी खेलने लगे। फिर वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो गए और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में उन्हें देना बैंक से कबड्डी खेलने का मौका मिला। पहले ही टूर्नामेंट में उन्हें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। उन्हें पता था कि कबड्डी प्रोफेशनली खेलने के लिए उन्हें जॉब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी उन पर थी। उन्होंने ये बात माँ से कही। माँ ने कहा, जो करना है वो कर, मगर सोच समझ के कर। फिर उन्होंने फाइनली कबड्डी में करियर करने का फैसला किया। देना बैंक के अलावा रिशांग भारत पेट्रोलियम के लिए और महाराष्ट्र टीम के लिए भी खेल चुके हैं। अच्छे खेल के कारण यू मुंबा ने उन्हें 5 लाख में खरीद लिया। 2015 में अच्छे खेल के कारण रिशांग इंडियन नेशनल कबड्डी टीम में सिलेक्ट हुए। 2017 के प्रो कबड्डी सीजन 5 में यूपी योद्धा ने रिशांग को 45.50 लाख में लिया। दोस्तों, छोटे से घर में रहने वाला रिशांग के घर का अब पता भी बदल गया और नसीब भी। ये मुमकिन हुआ तो सिर्फ कबड्डी के ऊपर निष्ठा, लगन और मेहनत से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।